वंस अगेन यू आर वेलकम बेटा. वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर 7th, राइज ऑफ द पॉपुलर मूवमेंट. ठीक है ना, जन आंदोलनों का उदय. इस चैप्टर को हमने सबसे पहले नेचर ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा कि पॉपुलर मूवमेंट है जो जन आंदोलन है उनकी प्रकृति कैसी थी. सबसे पहले हमने चिपको मूवमेंट के बारे में बात की जो कि आपके उत्तरांचल या उत्तराखंड का ये भारत के एक राज्य में जो कभी उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था वहाँ पर चिपको मूवमेंट जो कैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर चिपको आंदोलन चला और किस तरह से उसमें महिलाओं की भूमिका रही वो काफ़ी काबिले तारीफ है. इसके बाद में हमने बात की पार्टी बेस्ड मूवमेंट की कि वो सारे आंदोलन जिनके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज का एक्टिव पार्टिसिपेशन देखा गया. आज हम बात करने वाले हैं नॉन पार्टी मूवमेंट्स की. ठीक है ना, अब पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स है या पार्टी पॉलिटिकल पार्टी का जो कार्य रहा है अब इस जो मूवमेंट में हम बात करने वाले हैं द पीपल ऑफ द कंट्री आर नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस. ठीक है ना, जो राजनीतिक दल है उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है. तो इसलिए राजनीतिक दलों से अलग रहकर कुछ आंदोलन चलाए गए हमारे देश में, तो उन आंदोलन के बारे में हम बात करेंगे जिनको नॉन पॉलिटिकल पार्टी मूवमेंट के नाम से जानते हैं या नॉन पार्टी मूवमेंट कहते हैं. 1970 से लेकर 1980 का जो दशक है वो ऐसा पीरियड था जिसमें देश के अंदर इंस्टेबिलिटी देखी गई, यानी कि स्थिर सरकार नहीं थी. और जो सरकार थी भी जिसे हम बात कर सकते हैं कि कांग्रेस का जो कार्यकाल 1971 से लेकर 77 तक का जो रहा उसमें अपने आप में एक जो देश के अंदर इमरजेंसी वॉज इम्पोज ड्यूरिंग दैट पीरियड और उससे जनता बहुत परेशान हो चुकी थी. उसके बाद में 1977 में जनता दल की पार्टी की सरकार आती है, वो भी बहुत कुछ नहीं कर के दिखा पाती है, उसको कार्य करने का बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है और वो अपने आप में ही पार्टी अलग अलग पार्टी में विभाजित हो जाती है. तो देश में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी गई और इससे 1970 और 80 के जो पीरियड में जिस तरह का राजनीतिक दलों का बर्ताव था या फिर हम इससे पहले की जो देखे प्लान डेवलपमेंट के ऊपर जो काम हुआ था हमारी पहली पंचवर्षीय योजना में और या उसके बाद, तो उनके जो परिणाम हैं उससे कहीं समाज में एक इक्वलिटी नहीं देखी गई. ठीक है ना, समाज के अंदर समानता नहीं थी. देश के अंदर आर्थिक विकास तो हुआ लेकिन उस आर्थिक विकास का बेनिफिट सभी लोगों को समान रूप से नहीं मिला. तो फिर क्या हुआ, इस वजह से डिसइल्यूजनमेंट देखा गया. डिसइल्यूजनमेंट का मतलब लोगों के अंदर राजनीतिक दलों के प्रति एक मोह भंग हो गया, उनका विश्वास उठ गया आप कह सकते हो. तो फिर क्या हुआ, तो इसके बाद में नॉन पार्टी मूवमेंट की आंदोलनों की देश के अंदर शुरुआत हुई. हम बात करेंगे इसके बारे में, आज के टॉपिक में तो नहीं कर पाएंगे. भारतीय किसान यूनियन के द्वारा जो एक आंदोलन छेड़ा गया जो किसानों के हक के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, या फिर अराक मूवमेंट की बात करेंगे, या फिर इसके साथ में आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सभी एक इस तरह के आंदोलन थे जो पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था. इन्होंने राजनीतिक दलों को अपने प्लेटफॉर्म का बेनिफिट नहीं उठाने दिया, अपने मंच पे पॉलिटिकल पार्टी को नहीं आने दिया और ना ही ये जो आंदोलन के जो लीडर हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट होते हुए देखे गए. ठीक है, तो नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट नॉन पार्टी मूवमेंट 1970 से 80 के दशक में मैनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डिसइल्यूजन्ड विद द फंक्शनिंग ऑफ द पार्टीज, जो राजनीतिक दलों का जो कार्य करने का जो तरीका था उससे मोहभंग हो चुका था. जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी,
मॉडल ऑफ प्लान डेवलपमेंट था, वो सारे मैं बात कर रहा हूँ देश के अंदर पहले पंचवर्षीय योजना के बाद से ही देश के अंदर दो मॉडल ऑफ प्लान डेवलपमेंट को अपनाया गया। विकास देश के अंदर विकास के लिए जो तरीका चुना गया उससे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, देयर इज नो डाउट, इसको लेकर कोई दो संशय नहीं है, दो विचार नहीं हो सकते। बट पावर्टी एंड अनइक्वालिटीज ये देखा गया कि गरीबी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है देश के अंदर लेकिन गरीबी है और असमानता है। बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सबको बराबर नहीं मिले, ठीक है ना, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है उसका बेनिफिट सभी को बराबर से, समाज के सभी तबकों को बराबर से नहीं मिला है। गल्फ बिटवीन द अर्बन इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द रूरल एग्रेरियन सेक्टर देखा गया, यानी कि एक तो शहर के अंदर जो फैक्ट्री का विकास और इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है और एक गांव के अंदर जो किसान खेती कर रहे हैं, इसके बीच में एक बड़ी खाई देखा गया, यानी कि एक गैप देखा गया। वहीं किसान है जो अपनी रोज़मर्रा दो वक्त की रोटी के लिए परेशान है दिन रात मेहनत करके। फिर इंडस्ट्रीज़ के अंदर में ऐसा देखा गया कि बहुत अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, उनकी कंडीशन फैक्ट्री के अंदर में भी ख़राब ही रही। हमने बात की थी कि जो पहली पंचवर्षीय योजना जैसे ही चालू की गई तो उसमें एक एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दिया गया, लेकिन उसके उपरांत जितनी पंचवर्षीय योजना रही उनमें एग्रीकल्चर को पीछे छोड़ दिया, बहुत ज़्यादा फोकस एग्रीकल्चर पे नहीं रहा, तो किसानों की स्थिति और ख़राब होती गई किसी हद तक और इकोनॉमिक ग्रोथ का सभी को बराबर से बेनिफिट नहीं मिला। मैनी ऑफ द पॉलिटिकली एक्टिव ग्रुप्स लॉस्ट फेथ इन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। बहुत सारी मैनी ऑफ द पॉलिटिकली एक्टिव ग्रुप्स जो राजनीतिक रूप से एक्टिव ग्रुप्स थे, अब उनका जो है देश के अंदर जो ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं या चुनाव वाली जो राजनीति है उसके अंदर से विश्वास कम होता चला गया, कम क्या ख़त्म ही हो गया। दे चूज टू शेट स्टेप आउटसाइड ऑफ द पार्टी पॉलिटिक्स एंड एंगेज इन मास मोबिलाइजेशन। अब ये जितने भी राजनीतिक रूप से जो एक्टिव ग्रुप्स थे, ये पॉलिटिकल पार्टी की हम बात नहीं कर रहे, जो एक्टिव ग्रुप्स थे इन्होंने अब क्या किया, अब वो पार्टी पॉलिटिक्स से दूर आ गए और अपने आप को मास मोबिलाइजेशन यानी कि जनता के अंदर जागरूकता बढ़ाना शुरू किया कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम नहीं कर रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको प्रोवाइड किया गया, तो हमको आगे आना पड़ेगा, फॉरवर्ड होना पड़ेगा, तब जाके देश में कुछ इक्वलिटी समानता आ सकती है। तो फिर क्या हुआ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइज द मार्जिनलाइज सेक्शंस, और जो बेचारे हाशिए पे बैठे हुए थे, एकदम साइड में हो गए थे, जिनको कोई देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, हम बात करें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की, पिछड़ी जाति और ये दूसरी अन्य जातियां हैं, ठीक है ना, इनकी कंडीशंस बहुत ख़राब होती जा रही थी, तो इनको जो ये पॉलिटिकली एक्टिव ग्रुप्स थे इन्होंने इनको मोबिलाइज करना शुरू किया बिकॉज ऑफ द वॉलेंट्री नेचर। अब इसके पीछे कोई शक्ति काम नहीं कर रही थी राज्य की, ये अपनी मर्जी से कर रहे थे, ये नेचर के हिसाब से एक वॉलेंटियरली अपनी तरफ से खुद इनिशिएटिव ले रहे थे और ये जो समाज के लिए सोशल वर्क कर रहे थे तो इनको वॉलेंटियरली वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन कहा गया, ठीक है ना। वो सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए समाज के अंदर आके अपनी स्वयं अपनी इच्छा से काम कर रहे थे, सोशल वर्क कर रहे थे, उनको वॉलेंटरीली वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से पुकारा गया। दीज ऑर्गेनाइजेशन चूज टू रिमेन आउटसाइड ऑफ द पार्टी पॉलिटिक्स, और ये जितनी भी वॉलेंटरीली ऑर्गेनाइजेशन थी इन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर रखा, ठीक है ना। जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएँ बोलते हैं इनको, इन्होंने अपने आप को पार्टी की पॉलिटिक्स से, राजनीतिक दलों से दूर रखा। मोस्ट ऑफ दीज बिलीव इन पॉलिटिक्स, ये बात सही है कि ये सारे सभी जितनी भी राजनीतिक स्वयंसेवी संस्थाएं थी
पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये पॉलिटिक्स में बिलीव करते थे, राजनीति में, एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इट, और इसमें हिस्सा भी लेना चाहते थे, बट नॉट थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज, दल के किसी राजनीतिक दल के थ्रू नहीं, यानी कि अपोलिटिकल पार्ट, पॉलिटिकल पार्टी से अलग रहते हुए कार्य करना चाहते थे। हैंस दीज ऑर्गेनाइजेशन वर कॉल्ड, और क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी से दूर रहते हुए पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहते थे, इसलिए इनको नॉन पार्टी फॉर्मेशन, नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन के नाम से बोला गया। किस नाम से बोला गया? नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। क्यों कहा गया ऐसा? बिकॉज इन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर तो काम करना चाहते थे, ठीक है ना, राजनीति, लेकिन राजनीतिक दलों से दूर रह के करना चाहते थे, राइट। और अब ये इनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन की तरफ जा रहे हैं, दे होप डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कैसे कर रहे हैं, बाय द पीपल, लोगों के इन्वॉल्वमेंट से। ये डेमोक्रेटिक सरकारें हैं, जो डेमोक्रेटिक रूप से जो सरकारें चुनी गई है, इनके अंदर रिफॉर्म लाने की कोशिश करेंगे, किससे? डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बाय द पीपल। दिस नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन विल रिफॉर्म्स द नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उनकी प्रकृति को बदलने की कोशिश करेंगे। सच वॉलेंटरली ऑर्गेनाइजेशन स्टिल कंटिन्यू देयर वर्क इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज। अब ये जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो आज भी काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, आज भी अपने अस्तित्व में है। हाउएवर देयर नेचर हैज चेंज, अब इनकी प्रकृति चेंज हो चुकी है। कैसे? मैनी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन आर फंडेड बाय द इंटरनेशनल सर्विस एजेंसीज। ये जितनी भी पॉलिटिकल नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन है, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, अब सबसे बड़ी परेशानी जो देश के सामने है वो ये है कि इनको फंड जो है, पैसे का जो है मिलन हो रहा है दूसरे देशों से, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। द आइडिया ऑज इशू ऑफ लोकल इनिशिएटिव इज वीकेंड। अब ये लोकल जो प्रॉब्लम्स को, मुद्दे को उठाने वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं एक साइड में रह गई है, जब ये इनको पॉलिटिक अदर दूसरे देशों से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से फंड मिलने लगा है, तो बिकॉज ऑफ ये अपना एक्सटर्नल फंड लेने के चक्कर में अपना जो धर्म है, जो नॉन पॉलिटिकल फॉर्मेशन जो बने थे, ये अपना कार्य भूल चुके हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने नॉन पार्टी मूवमेंट की बात की, क्यों 1970 से लेकर 80 के दशक में जो सोसाइटी डिसिल्यूजनमेंट हो चुका था, समाज के अंदर मोहभंग हो चुका था, किसका? पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शनिंग को लेकर, ठीक है ना, राजनीतिक दल अच्छे काम नहीं कर रहे थे, इकोनॉमिक पॉलिसीज से सुधार हुआ, देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, मॉडल ऑफ प्लान डेवलपमेंट अच्छा अपनाया गया, लेकिन पावर्टी और अनइक्वालिटी समाज के अंदर बनी रही, और इकोनॉमिक ग्रोथ का जो जो बेनिफिट है वो सभी को बराबर से नहीं मिला। इससे हुआ क्या? अर्बन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और रूरल एग्रेरियन सेक्टर के बीच में एक गैप देखा गया, एक खाई देखी गई। बहुत सारी पॉलिटिकली एक्टिव ग्रुप्स हैं, उनका अब राजनीतिक दलों में या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अब ख़त्म हो चुका है इंटरेस्ट। अब वो पार्टी पॉलिटिक्स से दूर जाके अपने आप को मास मोबिलाइजेशन में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, जनता को जागरूक करना चाहते हैं, और उनका ये नेचर वॉलेंटरी था, इसलिए ये सोशल वर्क में जो लगे हुए थे, इसलिए इनको वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से पुकारा गया, राइट। दिस ऑर्गेनाइजेशन चोज टू रिमेन आउटसाइड ऑफ द पार्टी पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर रखा। मोस्ट ऑफ दिस बिलीव्स इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में तो विश्वास रखते थे, एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट भी करना चाहते थे, बट नॉट थ्रू द पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू नहीं करना चाहते थे, राइट। दे होप डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, वही रिफॉर्म्स लेके आ सकता है, इनका ऐसा सोचना था। फिर बाद में ये वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को दूसरे देशों से फंड मिलने लगा,
और इसके साथ ही जैसे ही इनको फंड हो गया तो ये लालच में आ गए और इनकी जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का जो नेचर था, नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, ये अब कहीं ना कहीं शंका के घेरे में आ गया। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर खत्म।